हम जब आए थे तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था, आज वो खसारा 3 साल के बाद 20 अरब डॉलर से 1.8 अरब डॉलर पर रह गया। हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जब हम आए थे तो पूरे मुला के 16.4 अरब डॉलर था और आज माशाल्लाह हमारे 27 अरब डॉलर पर रिजर्व चले गए। फिर हमारी जो कलेक्शन थी, टैक्स कलेक्शन, हमारी टैक्स कलेक्शन जब हम आए थे तो 3,800 अरब थी, 3,800 अरब रुपया हमारी टोटल टैक्स कलेक्शन थी, आज वो पहुंच के ये 4,700 अरब पे हमारी टैक्स कलेक्शन। जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पैसा भेजते थे वो थी 19.9 अरब डॉलर और आज हमारी रिमिटेंसेस पहुंच गई हैं 29.4 अरब डॉलर, तकरीबन 10 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रिमिटेंसेस आए। हमारे जो इकोनॉमी, जो इंडस्ट्री जो उठाती है इकोनॉमी, उसमें जो इजाफा हुआ है वो 18% हुआ है। ये 10 साल के बाद हमारी इतनी तेजी से इंडस्ट्री ऊपर जा रही है जिससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। और हमारा जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है जो सबसे ज्यादा रोजगार देता है, उसमें सीमेंट 42% उसकी सेल्स बढ़ी है। हमारे जो एग्रीकल्चर है 1100 अरब रुपया हमारा इजाफी किसानों के पास गया, इजाफी गया है। और उसके और वो नजर आता है कि रिकॉर्ड हमारी मोटरसाइकिलों की बिकी है, रिकॉर्ड ट्रैक्टर हमारे बिके हैं और गाड़ियों की सेल 85% बढ़ गया। टोयोटा ने अपनी सारी तारीख में इतनी गाड़ियां नहीं बेची जो आज बेची हैं। इसका मतलब कि लोगों के अंदर खुशहाली आ रही है।